welcome to Thees Me Thees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. Ek aisa show jahan khabrein hongi fatafat, yani ek ke baad ek Thees khabrein. To intezaar kis baat ka? Let's take a look. Thees Me Thees. सुशांत सिंह राजपूत ने हमसे एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट करते हुए जूम के सारे व्यूअर्स को दी इंडिपेंडेंस डे की खास बधाइयां। सुशांत ने कहा कि इस दिन को सेलिब्रेट करने के साथ ही साथ सभी को फ्रीडम की रिस्पांसिबिलिटी को भी समझना है जरूरी। जस्ट वांट टू से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड जस्ट टेक आउट सम टाइम एंड थिंक दैट इट इज सच अ ग्रेट थिंग दैट वी हैव अचीव्ड एंड वी हैव मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन लास्ट मेनी इयर्स फ्रॉम सिंस 1947 एंड स्टिल अ लॉट टू डू. So, as they say that with just celebrating Independence Day is not very important. Of course, we should do it. But at the same time, we should also realize the responsibility of being independent. विद्या बालन इंडिपेंडेंस डे पर जुड़ी एक खास इनिशिएटिव से प्रमोटिंग इंग्लिश लैंग्वेज अमंगस्ट किड्स, विद्या ने इस इनिशिएटिव के खास मकसद के बारे में की हमसे बात। विद्या विद्या के साथ सेलिब्रेट कर रही है। कैसा है? मैं एक्चुअली लखनऊ के पास गोपाल खेड़ा गांव में आई हुई हूँ। निहार नेचुरल शांति आमला ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है विच इज कॉल्ड पाठशाला फन वाला, जिसके तहत हम बच्चों को अंग्रेज़ी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी के प्रचार के लिए मैं यहाँ आई हुई हूँ और इसीलिए मैंने कहा कि विद्या विद्या के साथ सेलिब्रेट कर रही है। तीस में तीस। इंडिपेंडेंस डे के खास अवसर पर नवाज ने हमसे बात करते हुए जताई सीबीएफसी से अपनी नाराजगी। रिसेंटली सीबीएफसी के फिल्म बाबूमोशाय बंदूकबाज पर लगे 48 कट से अपसेट नवाज ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को कहानियां कह पाने की आज़ादी होनी चाहिए। मैं बात बाकी सारी सारों के बारे में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, और हाँ इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ जैसे अभी हमारे साथ ही हमारी फिल्म को इतना 48 कट लगे और उसको लेकर मैं थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंटमेंट हुआ और हम थोड़ा सा सदमे में भी हैं कि 48 कट का मतलब होता है डैमेज हो जाना। उस चीज़ को लेके यानी कि क्रिएटिविटी पे कहीं ना कहीं सेंसर की कैंचियाँ चलने का मतलब ये है कि भाई थोड़ा सा अफसोस होता है उस चीज़ को लेके कि हमें आज़ादी होनी चाहिए कि हम फिल्मों के माध्यम से अपने तरीके की फिल्म बनाएं। आप सर्टिफिकेट कर दीजिए उनको, बस सर्टिफाइड कीजिए। तीस में तीस। बरेली की बर्फी की टीम फिल्म के ट्रेलर को मिले पॉजिटिव रिस्पॉन्स से है काफी प्लीज्ड। हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन के वक्त आयुष्मान ने ट्रेलर के पॉजिटिव बज के बारे में की बात। सो आई थिंक ट्रेलर से इट सेट्स द बॉल रोलिंग। अब फिल्म की जो बज होती है वो पहले ट्रेलर से लोग डिसाइड कर लेते हैं कि आप ये पिक्चर देखने चाहते हैं कि नहीं चाहते। एंड आई एम ग्लैड मोस्ट ऑफ द पीपल दे इनफैक्ट एवरीवन लव द ट्रेलर यूनानिमसली। आप कॉमेंट सेक्शन देखिए, कुछ भी देखिए, लाइक्स देखिए, आई थिंक इट्स अनबिलीवेबल। और जिस तरह की हमने फिल्म बनाई है ट्रेलर वैसा ही है, कुछ उससे अलग नहीं है। इट जस्ट आई थिंक इट जस्ट इट विल ब्रिंग द ऑडियंस इन द थिएटर फॉर श्योर। तीस में तीस। इंडिपेंडेंस डे पर नवाज ने शेयर की अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज। नवाज ने शेयर किया कि वो स्कूल के दिनों में इंडिपेंडेंस डे किस तरह एंजॉय करते थे। बहुत ही स्पेशल दिन होता था पूरे साल में ये 15 अगस्त का, और हम लोग सुबह सुबह उठ जाते थे अर्ली मॉर्निंग और नहा धो के सबसे पहले तो परेड होती थी, परेड में जाते थे और फिर स्कूल में जाते थे। स्कूल में थोड़ा सा मीठा वीठा भी मिलता था, लड्डू उड्डू मिलते थे, और उस दिन बहुत ही अच्छा होता था। और सब में एक यानी कि सब मिल के परेड में होते थे और जनमन गण अधिनायक राष्ट्रगान गाते थे, तो बड़ा एक बहुत ही सिक्योर सा फील होता था कि सब साथ में हैं और सब लोग हम एक ही झंडे के नीचे खड़े हुए हैं, तो बहुत ही सिक्योर फील होता था, बहुत अच्छा लगता था उस वक्त। तीस में तीस।
इस इंडिपेंडेंस डे सुशांत चाहते हैं नोन कन्वेंशन से आजादी। सुशांत ने हमसे एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट करते हुए कहा कि वो अनचार्टर्ड टेरिटरीज करना चाहते हैं एक्सप्लोर। इट माइट साउंड वेरी फिलोसॉफिकल बट आई वांट टू फील एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज नोन। आई वांट टू रियली ट्राई अननोन्स एंड आई वांट टू सो आई वुड फेल इन ट्राइंग दैट बट आई डोंट माइंड बट या आई वांट फ्रीडम फ्रॉम द नोन। 30 में 30 लेट ऑन द शो। सलमान खान क्यों लेने वाले हैं फिल्म टाइगर जिंदा है की शूटिंग से ब्रेक। कौन सी पेट्रियोटिक फिल्म से नवाजुद्दीन के दिल के सबसे करीब, चलिए सुनते हैं खुद नवाज से। मुझे हकीकत बहुत पसंद थी जो फिल्म आई थी बहुत पहले, वो बहुत पसंद थी। और उपकार मनोज साहब की। 30 में 30 विद्या ने शेयर की अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज हमारे साथ। एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन के वक्त विद्या ने बताया कि वो किस तरह बचपन में मनाती थी इंडिपेंडेंस डे। बहुत अच्छा लगता था, स्पेशली जब मॉर्निंग स्कूल होती थी तो 7 बजे स्कूल शुरू हो जाती थी, पर इंडिपेंडेंस डे के दिन 8 बजे फ्लैग होइस्टिंग होती थी, तो आधा घंटा एक्स्ट्रा सोने को मिलता था और घर वापस जल्दी आ सकते थे। तो इस तरह से हम इंडिपेंडेंस डे मनाते थे, पर अब जब बड़ी हो गई तो आई थिंक उसके मायने समझ में आने लगे। 30 में 30 नवाजुद्दीन ने इंडिपेंडेंस डे पर हमसे एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट करते हुए बताया कि वो इंडिया को किस चीज से आजाद करना चाहते हैं। चाहने न चाहने से हालांकि कुछ होने वाले, बट ये है, आप पूछ रहे हैं तो बोल सकते हैं। इतना जो लाइक रिसेंटली अभी एक रेप का केस हुआ, ये इस तरह की चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून होने चाहिए। और दूसरा जो बस है, बाकी तो यह है, लोग रिएक्ट करते ही रहते हैं, जो चीज़ चाहते हैं चेंज चाहते हैं वो चेंज होना ही चाहिए। 30 में 30 विद्या चाहती हैं कि बॉलीवुड हो जाए सेक्सिज्म से मुक्त। जब विद्या को पूछा गया कि वो किस चीज से करना चाहती हैं बॉलीवुड को फ्री, तो विद्या ने कहा कि वो प्रेवलेंट सेक्सिज्म से दिलाना चाहती हैं हिंदी सिनेमा को छुटकारा। सेक्सिज्म से या सेक्सिज्म से मैं आजादी दिलाना चाहूंगी। And why do you feel so? Because there is inherent sexism actually in our society, not just in films. But film समाज का एक आईना होता है, तो यू नो ऑब्वियसली हमें फिल्मों में भी वो देखने को मिलता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि यू नो द फिल्म आर फिल्म्स आर फुल ऑफ सेक्सिज्म, बट आई एम सेइंग बिकॉज फिल्म्स आर रिफ्लेक्टिव ऑफ सोसाइटी एंड इन अ वे फिल्म्स आल्सो इम्पैक्ट सोसाइटी, आई थिंक वी शुड डू अवे विद सेक्सिज्म। 30 में 30 सैफ बेबो तैमूर के साथ लौटे अपने पहले इंटरनेशनल वेकेशन से। ये स्वीट फैमिली पिछले कुछ दिनों से हॉलिडे मना रहे थे स्टाद में। इंडिया लौटकर जहां सैफ अपनी अपकमिंग फिल्म काला कांडी का ट्रेलर लॉन्च करेंगे, वहीं करीना फिल्म वीरे दी वेडिंग के लिए वर्कशॉप्स लेना करेंगी शुरू। 30 में 30 कृति सुशांत ने हमेशा से ही एक दूसरे के रिलेशनशिप के रूमर्स को किया है डिनाई। एक रीसेंट इंटरव्यू में जब कृति से सुशांत के लिंकअप रूमर्स के बारे में पूछा गया तो कृति ने डिफेंसिव होते हुए कहा, गॉन आर द डेज व्हेन एंजॉयिंग अ मूवी और डिनर विद अ को-स्टार वुड बी कॉल्ड अ डेट। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग फ्रेंड्स विद योर को-एक्टर्स। इट्स सैड इफ आई स्टॉप सोशलाइजिंग विद अ फ्रेंड जस्ट बिकॉज पीपल आर कुकिंग अप स्टोरीज। आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन। एज फॉर सुशांत, आई डोंट हैव कंट्रोल ओवर व्हाट पीपल टॉक अबाउट अस। आई हैव ऑलरेडी स्पोकन इनफ अबाउट इट। 30 में 30 वरुण धवन ने सैटरडे नाइट की जमकर पार्टी। वरुण को हमने स्पॉट किया उनके फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हुए, लेकिन सरप्राइजिंगली यहां वरुण की गर्लफ्रेंड नताशा दलाल नजर नहीं आई। 30 में 30
कृति सानन और आयुष्मान खुराना को हमने स्पॉट किया एक कॉलेज फेस्टिवल को एंजॉय करते हुए। यहाँ इन दोनों सेलिब्रिटीज ने जमकर किया परफॉर्म, साथ ही प्लैनेट बॉलीवुड से एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन के दौरान कहा कैसे उन्हें यहाँ आकर याद आ गए कॉलेज के दिन। आई वाज इन डीवी कॉलेज चंडीगढ़, तो हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में थे, हम खुद वहाँ पे हमारा वो होता था बैंड परफॉर्मेंसेस होती थी, वी यूज्ड टू डू लॉट ऑफ थिएटर, सो ऑफ कोर्स दिस इज नॉस्टैल्जिया फॉर श्योर एंड इट्स ऑलवेज हैव अ कनेक्ट विद द यूथ फॉर द फिल्म प्रमोशंस। योर कॉलेज मेमोरी? लॉट ऑफ देम इन फैक्ट, स्टेज पे चढ़ के डांस करने में भी बहुत नॉस्टैल्जिया होता है, बिकॉज आई वॉज इन माई कॉलेज डांस ट्रूप एंड आई यूज टू ऑलवेज पार्टिसिपेट इन द डांस कॉम्पिटिशन्स, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स, सो ऑफकोर्स बींग ऑन द स्टेज एंड सीइंग ऑल दिस कॉलेज क्राउड अराउंड यू, इट्स जस्ट अमेजिंग, अनदर फीलिंग। 30 में 30। एक्ट्रेस श्रीदेवी ने अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे। श्रीदेवी अपने हस्बैंड बोनी कपूर और डॉटर्स जानवी और खुशी के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंची। 30 में 30। क्या बैक टू बैक फ्लॉप्स की वजह से टाइगर से उठ रहा है उनकी फिल्म बागी 2 के मेकर्स का भरोसा? खबर आ रही है कि इस फिल्म के मेकर्स ने फिल्म के एक सॉन्ग शूट को डिले कर दिया है क्योंकि वो फिलहाल फिल्म के फाइनेंस को लेकर दोबारा सोच रहे हैं। 30 में 30। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा के टैंट्रम सिर्फ मीडिया और फैंस को नहीं झेलने पड़ते हैं। खबर है कि प्रीति की इन आदतों से उनके हस्बैंड जीन गुड इनफ भी परेशान हैं। कहा जा रहा है प्रीति अपने स्टाफ से कभी कभी बहुत रूडली बिहेव करती हैं, जो जीन को बिल्कुल पसंद नहीं आता और अक्सर उन्हें प्रीति और उनके स्टाफ के बीच पीस मेकर का काम करना पड़ता है। 30 में 30। गणेश चतुर्थी के खास मौके पर सलमान नहीं रहेंगे घर से दूर। सुनने में आया है कि टाइगर जिंदा है के अबू धाबी शेड्यूल में बिजी सलमान को इस साल गणपति बापा का दर्शन लेना शायद करना पड़ जाए मिस, लेकिन सलमान इस ऑस्पिशियस ओकेजन के लिए नहीं रहना चाहते घर से दूर और इसलिए वो अपने शेड्यूल से गणपति सेलिब्रेशन के लिए लौट आएंगे घर। 30 में 30। एक्ट्रेस विद्या बालन कभी नहीं करेंगी अपने हस्बैंड की फिल्म्स में काम। जी हां, प्लैनेट बॉलीवुड से एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन के दौरान विद्या बालन ने कहा सिद्धार्थ रॉय कपूर और उन्होंने इंटेंशनली साथ ना काम करने का डिसीजन लिया है। हमारा एसोसिएशन सिर्फ घर पे है। And why is it so? Because he told you would like to keep it personal and professional thing. Exactly. I think it's just healthier like that. अब काम भी साथ में कर रहे हैं, रह भी साथ में रहे हैं, तो शायद एक दूसरे से उब जाएं। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूं। I just think it's better, you know, when you don't work together. Otherwise, आप काम भी घर ले आते हैं और I don't know, we both feel it's better if we won't work with each other. 30 में 30। क्या कंगना रनौत के ओवर इन्वॉल्वमेंट से फिल्म सिमरन की टीम है खफा? खबर आ रही है कि कंगना फिल्म के एडिट में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी हैं कि फिल्म की टीम कोई इंडिपेंडेंट कॉल्स नहीं ले पा रही है, जिसकी वजह से फिल्म की पूरी टीम नाराज है। 30 में 30। ऋतिक रोशन को वीकेंड पर एक्स वाइफ सुजान और किड्स रेहान और रिदान के साथ एक डिनर आउटिंग पर किया गया स्पॉट। पोस्ट देयर डिवोर्स ऋतिक और सुजान अपने किड्स के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम डिवोट करने की कोशिश में रहे हैं। 30 में 30। सारा अली खान ऑपोजिट सुशांत फिल्म केदारनाथ के साथ करेंगी अपना बॉलीवुड डेब्यू एंड इफ रूमर्स आर टू बी बिलीव्ड, सारा की मॉम अमृता सिंह इस प्रोजेक्ट के हर माइन्यूट डिटेल्स पर रख रही हैं नजर और ले रही हैं हर मैटर पर फाइनल कॉल। इस बारे में जब सुशांत को एक रीसेंट इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने ये न्यूज डिनाई करते हुए कहा इट्स अनट्रू, द स्क्रिप्ट हैजंट चेंज्ड अ बिट फ्रॉम द वन आई वाज गिवन एंड सेड यस टू द फर्स्ट टाइम, आई एम ऑनेस्ट एंड 100% प्रोफेशनल, सो देयर इज एब्सोल्युटली नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी पेरेंट और फ्रेंड, everyone involved is trying to do their best. 30 में 30। जय हो में सलमान के ऑपोजिट डेब्यू करने वाली डेजी शाह एक बार फिर दिख सकती हैं सलमान के साथ नजर। इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड, डेजी को फिल्म रेस 3 के लिए ऑपोजिट सलमान कर लिया गया है कास्ट। इस फिल्म में डेजी के साथ सलमान के ऑपोजिट और दो एक्ट्रेसेस दिखाई देने वाली हैं। 30 में 30।
अर्जुन कपूर करने जा रहे हैं नमस्ते लंदन की सीक्वल नमस्ते कनाडा और हाल ही में रिपोर्ट्स आए थे कि अर्जुन के इस डिसीजन से अक्षय नहीं थे खुश लेकिन अर्जुन ने इस न्यूज को रिसेंटली किया डिनाई सुनने में आया है कि जैसे ही अर्जुन को इस रोल के लिए अप्रोच किया गया उन्होंने सबसे पहले किया अक्षय को कॉल और दोनों के आपसी सहमति के बाद अर्जुन ने किया ये प्रोजेक्ट साइन रोहित शेट्टी ने रणवीर सिंह के साथ अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट कर दी है अनाउंस इस तेलुगु एक्शन फिल्म के रीमेक में रणवीर एक करप्ट कॉप के कैरेक्टर में दिखाई देने वाले हैं और अब सुनने में आया है कि फिल्म में रणवीर की लीडिंग लेडी के रोल के लिए रोहित शेट्टी ने किया है कैटरीना कैफ को अप्रोच अगर कैटरीना ऑन बोर्ड आती है तो रणवीर कैटरीना को पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर साथ देखा जाएगा सुशांत सिंह राजपूत और कृति को रिलेशनशिप के लिंकअप रूमर से नहीं पड़ता कोई भी फर्क एक रीसेंट इंटरव्यू में जब सुशांत को पूछा गया कि इतने दिनों से लिंकअप रूमर्स के चलते आया है उनके और कृति के रिलेशनशिप में कोई बदलाव तो सुशांत ने कहा Sometimes there is a series of stories about me which are untrue and misunderstood. As an actor, I can condition myself to ignore the rumors, but I hold on to the vulnerability and the emotions these rumors evoke because it makes me a better actor. These stories affect me, but they never change my friendship with any co-star. Currently in USA, Priyanka ने हाल ही में अटेंड किया एक फंड रेजर इवेंट ड्रेस्ड इन अ ब्लैक गाउन इस इवेंट पर प्रियंका हॉलीवुड स्टार जेमी फॉक्स के साथ स्टेज पर एक रॉकिंग परफॉर्मेंस देती आई नजर Speculations about Hrithik Roshan's next film have been finally put to rest. Hrithik karne ja rahe hain director Vikas Behel ki next film, jo math wizard aur IIT coach Anand Kumar ki life par hogi based. Hrithik ne haal hi mein Anand se mulaqat ki aur is film ke liye prepare karna shuru kar diya hai. 30 mein 30 अक्षय कुमार कर सकते हैं कबीर खान की अगली फिल्म अक्षय आजकल अपनी आने वाली टीवी कॉमेडी शो के लिए शूट कर रहे हैं और इस शो के सेट पर आजकल अक्सर कबीर खान कर रहे हैं अक्षय कुमार को विजिट कबीर अक्षय के साथ उनकी वैनिटी वैन में काफी टाइम स्पेंड करते हैं और इसी वजह से स्पेकुलेशंस होने लगे हैं कि कबीर ने अक्षय को किया है अपनी अगली फिल्म के लिए अप्रोच 30 में 30 After all the speculations about a delay, Varun Dhawan ki film Judwa 2 ka trailer finally hone ja raha hai release. Varun August 21st ko karne ja rahe hain Judwa 2 ka trailer release. Aur ye trailer Siddharth Malhotra starrer A Gentleman ke saath kiya jane wala hai theaters mein attached.